हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। जो मकर राशि के जातक हैं, उनके लिए कालखंड थोड़ा सा उतार चढ़ाव का चल रहा है। आपकी शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, खड़यंत्रकारी सफल होंगे और जो भी चीजें आप प्रयास करें उसमें थोड़ी सी आपके सामने रुकावटें आएंगी, विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको बहुत संभल करके चलने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। जितना बैलेंस रहेंगे, जितना अच्छे तरीके से सोच के करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद आपकी स्थितियां अनुकूल होंगी तो आप इंडस्ट्री में, लोहे के क्षेत्र में या कंस्ट्रक्शन में, माइंस में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, आध्यात्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। घर में नए मेहमान के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कृषि भूमि खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री इत्यादि भी खोल सकते हैं। नए तरह के जो आप प्लान कर रहे हैं उसके प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी और नए तरह के लोग मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन माइंस के भी क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर पेट्रोलियम के क्षेत्र में एफर्ट करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप धन के क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के फील्ड में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शेयर में पूंजी थोड़ा निवेश करने से बचे, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा और नए मेहमान के आगमन से भी मन प्रसन्न रहेगा। घर में नए मेहमान आ सकता है। संततियों की टेरिटरी में दखल अंदाजी ना करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है, लेकिन पत्नी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आपके परिवार में कई ऐसे कार्य करेंगे जिससे उनकी भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होगी। माली हालत भी आपकी अच्छी होगी। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आय के जरिया बढ़ेगा और मल्टीपल तरीके से वर्सेटाइल कार्यों से आपके पास धन आगमन की भी संभावना बन रही है। आय से अधिक व्यय होने से थोड़ा मन चिंतित हो सकता है, तो व्यय पर कंट्रोल करें, भगवत भजन करें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, अनुष्ठान वगैरह कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होने की भी संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है? आज आपको सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी काम सोच समझ करके करें। आप बिना सोचे समझे कार्य शुरू कर देते हैं, बीच में रोक देते हैं, तो इस कार्य को रोकने की जरूरत है। सोच समझ करके कार्य करें। उपाय क्या करना है? आज आप क्या करें कि शनिदेव को तिल और जल मिला करके अर्पित करें और इनको सरसों के तेल का दीपक जलावें और ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।